हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऐसी पावरफुल बुक के बारे में जानेंगे जिससे आप क्रिएटिव विजुलेशन की पावर को समझेंगे। इस बुक का नाम है क्रिएटिव विजुलेशन द पावर ऑफ इमेजिनेशन, जिसे शक्ति गवेन ने लिखा है। ये बुक हमें सिखाती है कि लाइफ में आप जो चाहते हैं उसे क्रिएट करने के लिए अपनी इमेजिनेशन की पावर का यूज कैसे करें और पॉजिटिव चेंज लाने के लिए मेंटल इमेजरी और अफर्मेशन का यूज कैसे किया जाए। आज क्रिएटिव विजुलेशन टेक्निक का यूज हेल्थ, एथलेटिक्स, बिजनेस, एजुकेशन और क्रिएटिव आर्ट के एरियाज में सक्सेसफुली किया जाता है। इस बुक को 6 पार्ट में बांटा गया है, जिन्हें हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं द बेसिक्स ऑफ क्रिएटिव विजुलेशन। क्रिएटिव विजुलेशन क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इमेजिनेशन का यूज होता है। इसका यूज करके हम अपनी लाइफ में जो चाहें वो बना सकते हैं। ये हमारी नेचुरल इमेजिनेटिव पावर है, ऐसी बेसिक क्रिएटिव एनर्जी जिससे हम हमेशा यूज करते रहते हैं, चाहे हम इसके बारे में अवेयर भी हों या नहीं। इस बुक में हम सीखेंगे कि हम नेचुरल क्रिएटिव इमेजिनेशन को ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियस वे में किस तरह से यूज करें। इस टेक्निक से हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, प्यार, फुलफिलमेंट, एंजॉयमेंट या सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप। क्रिएटिव विजुलेशन का यूज करके हम नेचुरल गुडनेस और अबंडेंट लाइफ में कैसे एंटर करते हैं ये जानेंगे। इमेजिनेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम आइडिया को बना सकते हैं, मेंटल पिक्चर या किसी चीज की सेंस फील कर सकते हैं। क्रिएटिव विजुलेशन भी हम इमेजिनेशन की मदद से क्लियर इमेज बना सकते हैं, आइडियाज और किसी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप उस आइडिया पर फोकस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और उसे अपने ब्रेन में डेली पिक्चराइज कर सकते हैं। इस तरह से आप उस चीज को पॉजिटिव एनर्जी देकर ऑब्जेक्टिव रियलिटी बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अभी आप अपनी करंट जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। अगर आप फील करते हैं कि जॉब करना आपके लिए सही है, पर ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसे इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो आप उन इम्प्रूवमेंट्स को इमेजिन कीजिए। अगर इसने काम नहीं किया या आप फील करते हैं कि आपको नई जॉब मिलनी चाहिए, तो आप फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को फोकस और इमेजिन कीजिए जो आपकी इच्छा है। आप डीप रिलैक्स, शांत, मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहिए। इमेजिन कीजिए कि आप आपकी परफेक्ट जॉब सिचुएशन में काम कर रहे हैं। इसी चीज को दिन में 2 बार इमेजिन करें या जब भी आप इसके बारे में सोचें। अगर आपका डिजायर और इंटेंशन दोनों क्लियर हैं, तो आप चेंज के लिए तैयार हैं और चेंजेस बहुत अच्छे हैं कि आप जो काम करना चाहते हैं वो आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। अगर आपको समझना है कि क्रिएटिव विजुलेशन किस तरह से काम करती है, तो आपको इन यूजफुल प्रिंसिपल्स को समझना होगा। हमारा फिजिकल यूनिवर्स एक एनर्जी है। अच्छे से समझे तो हमारा फिजिकल यूनिवर्स किसी मैटर से नहीं बना है। इसका बेसिक कंपोनेंट एक तरह का फोर्स है, या उसे हम एनर्जी कह सकते हैं। फिजिकली देखें तो सब एनर्जी है, और हर चीज जो हमारे अंदर है या हमारे आसपास है वो सिर्फ एनर्जी से बनी है। सभी तरह की एनर्जी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। एनर्जी मैग्नेटिक होती है। एनर्जी का एक लॉ है, एक सर्टेन क्वालिटी की एनर्जी या वाइब्रेशन सिमिलर तरह की एनर्जी और वाइब्रेशन को ट्रैक करती हैं। थॉट्स और फीलिंग्स, इन दोनों के पास अपनी खुद की मैग्नेटिक एनर्जीज होती हैं, जो उनके सिमिलर नेचर को अट्रैक्ट करने में मदद करती हैं, फॉर्म आइडिया का पीछा करती हैं। थॉट एक फास्ट, हल्का, स्मॉल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। थॉट इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो जाती हैं, एज कम्पेयर टू किसी भी डेंसर फॉर्म जैसे मैटर। जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हम उसे थॉट की फॉर्म में बनाते हैं। द लॉ ऑफ रेडिएशन एंड अट्रैक्शन, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है कि जब भी आप यूनिवर्स में कुछ देते हैं, तब यूनिवर्स आपको वही चीज वापस देता है। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। जब हम नेगेटिव और डरने लगते हैं, इनसिक्योर या चिंता करते हैं, तब हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस, सिचुएशन और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना था। अ सिंपल एक्सरसाइज इन क्रिएटिव विजुलेशन। क्रिएटिव विजुलेशन की सिंपल टेक्निक्स को समझें। पहला, ऐसी चीज के बारे में सोचें जो आपको पसंद है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ सिंपल चूज करना है जो आप इजीली इमेजिन कर पाए। ये हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो आप चाहते हैं, या कोई इवेंट हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप खुद को देखना चाहते हैं, या किसी चीज को जो आप अपनी लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हैं। आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं या लेट जाएं, ऐसी शांत जगह पर जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अभी आप अपनी बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स कर दें। गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। 10 से लेकर 1 तक स्लोली काउंट करें। जैसे जैसे आप एक एक काउंट कम करेंगे, वैसे ही आपको डीपली खुद को फील करना है। जब आप डीपली रिलैक्स फील करेंगे,
तब आपको उन चीजों को इमेजिन करना है जो आपको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में चाहिए। अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है, खुद को उस ऑब्जेक्ट के साथ इमेजिन करें, इस्तेमाल करते हुए, उसे इंजॉय करते हुए, अपने फ्रेंड्स को दिखाते हुए, इस प्रोसेस को उतनी ही देर करें जब तक आप उसे इंजॉय करते हैं। ये 5 मिनट हो सकता है या फिर आधा घंटा भी। इस एक्सरसाइज को डेली रिपीट करें तब तक जब तक आप इसे कर सकते हैं। रिलैक्स करना इंपॉर्टेंट है। जब आप क्रिएटिव विजुलेशन को सीखना शुरू करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको डीपली रिलैक्स करना है। जब आपकी बॉडी और माइंड डीपली रिलैक्स्ड होते हैं तब आपके ब्रेन वेव पैटर्न एक्चुअल में चेंज होकर स्लो हो जाएंगे और इस डीपर और स्लोअर लेवल को कहते हैं अल्फा लेवल, जबकि आपकी यूजुअल बिजी कॉन्शियसनेस को बीटा लेवल कहा जाता है। अल्फा लेवल को कॉन्शियसनेस की बहुत ही हेल्दी स्टेट कहा जाता है क्योंकि इस स्टेट में माइंड और बॉडी दोनों डीपली रिलैक्स होते हैं। स्पेशली क्रिएटिव विजुलाइजेशन रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद करना सबसे अच्छा होता है क्योंकि इस टाइम पर माइंड और बॉडी दोनों उनकी पीक लेवल पर रिलैक्स्ड और हाईली रिसेप्टिव होते हैं। विजुलाइज कैसे करें? बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली विजुलाइज का मतलब क्या होता है। कुछ लोग परेशान होते हैं क्योंकि जब वो आंखें बंद करके विजुलाइज करते हैं तब वो कोई मेंटल पिक्चर या इमेज को देख ही नहीं पाते। जब कुछ लोग पहली बार विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं वो महसूस करते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। आप विजुलाइज वर्ड को लेकर मत बैठिए। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको मेंटल इमेज दिखनी ही चाहिए। अपनी आंखों को बंद करें और डीपली रिलैक्स फील करें। ऐसी चीजों के बारे में सोचिए जो आपको पता है, जैसे आपका बेडरूम या फिर लिविंग रूम। खुद को इमेजिन कीजिए कि आप आराम से एक चेयर पर बैठे हैं या बेड पर सोए हैं। उस एक्सपीरियंस को याद करने की कोशिश करें और उन कंफर्टेबल एक्सपीरियंस को एंजॉय करें और जो भी आपने अभी किया अपने माइंड में इमेज लाने के लिए, उस तरीके को विजुलाइजेशन कहते हैं। इफेक्टिव क्रिएटिव विजुलाइजेशन के 4 स्टेप हैं। अपना गोल ऐसी चीज के लिए डिसाइड करें जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, जिसकी तरफ आप काम करना चाहते हैं या उसे क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहे किसी भी लेवल पर हो, कोई जॉब, घर, रिलेशनशिप या आप में ही कोई बदलाव, एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, हेल्दी बॉडी, ब्यूटी, फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व करना या जो भी हो। ऐसे गोल चूज करें जो थोड़े इजी हों, जिस पर आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि आप आसानी से उस काम को कम से कम टाइम में पूरा कर लेंगे। एक क्लियर आइडिया को क्रिएट करें या किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन की फीलिंग को जैसी आपको एग्जैक्टली चाहिए। आपको वो प्रेजेंट टेंस में सोचना है जैसे कि वो अभी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। अब आप अपने आइडिया या मेंटल पिक्चर पर फोकस करें। दोनों चीजों पर मेडिटेशन पीरियड में फोकस करें और कैजुअली जब भी आपके माइंड में ये आए तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं और इसी तरह से ये आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा और ये आपके लिए एक तरह की रियलिटी बन जाएगा और आप इसे बहुत ही अच्छे से लाइफ में प्रोजेक्ट कर पाएंगे। अब इसको पॉजिटिव एनर्जी दें। अब जब आप अपने गोल पर फोकस करते हैं उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है, एनकरेजिंग वे में खुद के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्टेटमेंट बना लें। मेरा गोल एग्जिस्ट करता है, ये मेरे पास आ रहा है या जल्द ही आने वाला है। खुद उसे आपके पास देखिए या उसे अचीव करते हुए देखिए और जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते इस काम को कंटिन्यू करें। यूजिंग क्रिएटिव विजुलाइजेशन। क्रिएटिव विजुलाइजेशन की बेसिक टेक्निक बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको उसे सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए जो आपके लिए काम करे और यही बात आपको लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने में मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की ये है कि आपको क्रिएटिव विजुलाइजेशन रेगुलर बेसिस पर करनी है। आपके पास रेगुलर क्रिएटिव विजुलाइजेशन के लिए 15 मिनट का मेडिटेशन पीरियड होना ही चाहिए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, और अगर मैनेज हो सके तो आफ्टरनून में भी एक बार कर लें। आपका मेडिटेशन पीरियड डीप रिलैक्सेशन के साथ शुरू होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी विजुलाइजेशन या अफर्मेशन अपनी इच्छा से कर सकते हैं। क्रिएटिव विजुलाइजेशन के साथ मैंने अपनी ग्रोथ के प्रोसेस में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट फील की हैं। डेली इंस्पायरिंग और सपोर्टिव बुक्स को रीड करें और ये बुक ही आपको आपके मेंटोर के साथ टच रहने में मदद करेंगी। आपके पास एक ऐसा फ्रेंड, एक फ्रेंड की कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें सभी लोग और भी ज्यादा कॉन्शियस होकर नई नई बातों को सीखें और ऐसे फ्रेंड्स ही आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे और आपके साथ आपको आगे बढ़ने में एफर्ट्स देंगे। हम अपनी लाइफ को 3 एस्पेक्ट्स में समझ सकते हैं और उन एस्पेक्ट्स को हम कह सकते हैं बीइंग यानी कि बन जाना, डूइंग यानी कि करना और हैविंग यानी कि होना। बीइंग जिंदा होने और कॉन्शियस होने का सबसे बेसिक एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस हमें तब आता है जब हम फुली प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कर रहे होते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें हम खुद को टोटली कंप्लीट फील करते हैं। डूइंग का मतलब होता है
कि कोई मूवमेंट या एक्टिविटी करना। क्रिएटिव एनर्जी नेचर की वो रूट है जो हर एक लिविंग थिंग में फ्लो हो रही है। ये सोर्स है एक स्ट्रॉन्ग और एक्टिव एनर्जी का। हैविंग एक ऐसी स्टेट है जिसमें हर एक इंसान दूसरे इंसान से रिलेशनशिप में होता है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी भी चीज को अलाव और एक्सेप्ट कर सकती है, और जो भी लोग हमारी जिंदगी में हैं वो आराम से इसी सेम जगह पर रह सकते हैं। तीन जरूरी एलिमेंट्स, हम लोगों में तीन एलिमेंट्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि हमारे लिए किसी भी सिचुएशन में क्रिएटिव विजुलाइजेशन कितना सक्सेसफुली काम करेगा। डिजायर, आपके पास एक ट्रू डिजायर होनी चाहिए, या आप जो भी चाहते हैं उसे विजुलाइज करना चुन सकते हैं। खुद से पूछें, क्या मैं सच में दिल से इस डिजायर को रियलिटी बनाना चाहता हूं। बिलीफ, जितना ज्यादा आप अपने गोल में विश्वास करेंगे उतना ही आप उस काम को करने में और भी ज्यादा श्योर हो जाएंगे। खुद से पूछें, क्या मैं विश्वास करता हूं कि ये गोल रियलिटी में बदल सकता है, और क्या मैं विश्वास करता हूं कि मैं इसे रियलिटी बना सकता हूं और अचीव कर सकता हूं। एक्सेप्टेंस, आप हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए और जो भी चीज आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए भी इच्छुक होने चाहिए। अगर इन तीन एलिमेंट्स को एक साथ मिला दिया जाए तो उसे हम इंटेंशन बुला सकते हैं। जब हमारे पास किसी ऐसी चीज को बनाने का स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होता है उसी समय हम इस डिजायर को डीपली फील कर सकते हैं। आप पूरे तरीके से विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं, और आप अपनी इच्छाओं को पाने के लिए सबसे ज्यादा इच्छुक होते हैं। क्रिएटिव विजुलाइजेशन को यूज करने का सबसे इफेक्टिव वे है स्प्रिट ऑफ द वे ऑफ टाओ। इसका मतलब है गोइंग विद द फ्लो। जहां भी आप जा रहे हैं आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी है। आपको सिंपली माइंड में क्लियर रखना है कि आपको कहां जाना है, और जब तक आप पहुंच नहीं जाते आपको पेशेंटली नदी के बहाव को फॉलो करना है। फ्लो के साथ जाने का मतलब है अपने गोल्स को हल्के से पकड़ना, अगर वो इंपॉर्टेंट भी लगे तो भी, और उसे चेंज करने के लिए विलिंग रहना। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा हैवी इमोशंस होंगे तो आप उस गोल को अटेन करने के बजाय खुद के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगे। आपके डर में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि आपको क्या चाहिए। आप एक्चुअल में उस आइडिया को एनर्जाइज कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्रिएटिव विजुलाइजेशन प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रॉस्पेरिटी की सेंस को डेवलप करना। इसका मतलब है आपको समझ होनी चाहिए या कॉन्शियसली किसी पॉइंट ऑफ व्यू को ग्राफ कर सके जो है यूनिवर्स अबंडेंट है। सभी चीजें जो आपको सच में चाहिए या जिसे आप मांगना चाहते हैं आपको सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है और उसे एक्सेप्ट करें। जो हमें चाहिए उसे ना पाने में फेल होने का एक सबसे बड़ा कारण है स्कार्सिटी प्रोग्रामिंग। ये एक एटीट्यूड है या कुछ सेट ऑफ बिलीव्स जो लाइफ के बारे में है। ये इस बात पर बेस्ड है कि यूनिवर्स किस तरह से काम करता है, या कुछ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना। इस अर्थ के बारे में सच्चाई ये है कि ये एक बहुत अच्छी सुंदर और नरिशिंग जगह है। सिर्फ बुराई तभी आती है जब सच्चाई की कम समझ होती है। मेडिटेशंस एंड अफर्मेशंस, आराम से अपनी पीठ को सीधा करके बैठ जाएं, चाहे चेयर पर या जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। 10 से लेकर 1 तक काउंट करें। जैसे जैसे आप काउंट करेंगे आप और भी डीपली रिलैक्स फील करेंगे। इस मेडिटेशन से आप कॉस्मिक एनर्जी, फैंटेसी और इमेजिनेशन के बीच एक अच्छा बैलेंस बना लेंगे। इस मेडिटेशन से आप अपनी बॉडी को प्योरीफाई और हील कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी फ्लो होती रहेगी। इमेजिन कीजिए आपके सर के ठीक ऊपर एक बड़ा गोल्डन स्फीयर चमक रहा है। गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। ऐसा आपको 5 बार करना है, और आपका ध्यान स्फीयर की लाइट पर होना चाहिए। उसे फील करें कि गोल्डन स्फीयर आपके सर से ही लाइट रेडिएट कर रहा है। आपको अपने अंदर एक सेंचुरी बनानी है जिसका मीनिंग है एक नेचुरल रिजर्व जहां आप जब चाहें जा सकें। क्रिएटिव विजुलाइजेशन से आप एक नेचुरल रिजर्व बना सकते हैं। उस रिजर्व में आप कहीं पर भी जा सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और किसी कंफर्टेबल पोजीशन पर रिलैक्स करें। खुद को किसी बहुत खूबसूरत नेचर की जगह पर इमेजिन करें। ये किसी पहाड़ की चोटी हो सकती है, या एक ऐसा जंगल जो समुन्द्र के किनारे हो। ये किसी समुन्द्र के अंदर की जगह भी हो सकती है, या कोई दूसरी दुनिया। बस आपको कंफर्टेबल, शांत और अच्छा फील करना है। अब आप वो सब इमेजिन करें जिससे आपको वहां घर जैसा और कंफर्टेबल फील हो। सबके अंदर एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज और ज्ञान छुपा होता है। यह हमारे पास अपने सबकॉन्शियस माइंड से आता है जो यूनिवर्स इंटेलिजेंस के साथ हमेशा कनेक्ट होता है। आपका इनर गाइड एक हायर वर्जन होता है, हम जो अभी हैं उसका, और ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। बट नॉर्मली ये किसी इंसान के रूप में या किसी अच्छे दोस्त के रूप में आता है। स्पेशल टेक्निक्स, अ क्रिएटिव विजुलाइजेशन नोटबुक। डेली एक नोटबुक मेंटेन करना क्रिएटिव विजुलाइजेशन को प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया है।
आप उस नोटबुक में आपकी जो इच्छाएं हैं उसे अफर्मेशन की तरह लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास और भी तरीके हैं जिससे आप आपके नोटबुक को और भी यूजफुल बना सकते हैं, जैसे कि खुद के ड्रीम्स को लिखना, गोल और फैंटेसीज को लिखना, खुद का जर्नल मेंटेन करना, इंस्पायरिंग थॉट्स, आइडियाज और कोट्स को उस नोटबुक में पेस्ट करना। आप अपने गोल से रिलेटेड गाने भी लिख सकते हैं जिससे आप उस गोल तक पहुंचने के लिए मोटिवेटेड फील करेंगे, और भी बहुत कुछ। कुछ सजेशंस हैं जिससे आप नोटबुक को अच्छे से लिख सकते हैं। अफर्मेशंस, अब आपके फेवरेट अफर्मेशंस को नोटबुक में लिख सकते हैं। आप उसे वन बाय वन एक पेज पर अच्छे से लिखकर लिस्ट बना सकते हैं। आउटफ्लो लिस्ट, ऐसी चीजों की लिस्ट बनाएं जिससे आपकी बॉडी की एनर्जी यूनिवर्स में बाहर जाए और बाकी लोगों तक पहुंचे। इन एनर्जीज को आप पर्टिकुलर गोल से ही आउटर वर्ल्ड में सेंड करें। सक्सेस लिस्ट, ऐसी चीजों की लिस्ट बनाएं जिसमें आप सक्सेसफुल थे या आपने अपनी जिंदगी में किसी काम को बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। अप्रिसिएशन लिस्ट, ऐसी चीजों की लिस्ट बनाएं जिसके लिए आप थैंकफुल हैं और अपनी जिंदगी में उन चीजों के लिए सबसे ज्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं। फैंटेसीज एंड क्रिएटिव आइडियाज, लिस्ट में कुछ आइडियाज, प्लान या आपके फ्यूचर ड्रीम्स को लिखिए, या ऐसे आइडियाज जो आपके दिमाग में आते हैं। क्लियरिंग, अगर आपको सीखना है कि क्रिएटिव विजुलाइजेशन कैसे करना है तो आपको अपने इनर ब्लॉकेजेस को समझकर उनके टच में रहना है, और यही ब्लॉक्स आपको पीछे खींचते हैं जिससे आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाते। ब्लॉक्स एक ऐसी जगह है जहां एनर्जी रुक जाती है, ना तो मूव करती है ना ही वो फ्लो करती है। नॉर्मली ब्लॉक हमेशा नेगेटिव इमोशन की वजह से आते हैं, जैसे कि फियर, सैडनेस, गिल्ट, सेल्फ क्रिटिसिज्म और एंगर, और इससे एक इंसान पर प्रेशर बढ़ने लगता है जो स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर आपको ब्लॉक्स को रिमूव करना है तो कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। आप जो भी फील कर रहे हैं वो आपको मेंटली और इमोशनली एक्सेप्ट करना होगा। क्लियर ऑब्जर्वेशन रखें जिससे आपको हर एक प्रॉब्लम की जड़ समझ में आए, और ये हो सकता है कि ये लिमिटिंग एटीट्यूड और बिलीफ हो। इस ट्रिक से आप एक साथ प्यार और खुद को एक्सेप्ट कर पाएंगे, और कॉन्स्टेंटली आपके पास एक बिलीफ होगा जो आपको कहेगा कि लिमिटिंग, डिस्ट्रक्टिव और सभी झूठ आपसे बाहर जा रहे हैं। सेटिंग गोल्स, जो आपको चाहिए उसे ढूंढने में सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि ये पहचानना कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। जितनी जल्दी हम क्लियर होंगे कि हमें क्या चाहिए, उतनी जल्दी हम उस पर्टिकुलर चीज़ पर अपना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन फोकस कर सकते हैं, और वो बहुत ही कम एफर्ट लगाकर मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऑथर इस तरह के इंसिडेंट को हमेशा तब एक्सपीरियंस करते हैं जब वो कॉन्शियसनेस की स्टेट में होते हैं। जब उन्हें जो चाहिए उसका अचानक से बहुत स्ट्रांग एक्सपीरियंस होता है, तो उतना ही स्ट्रांग एक्सपीरियंस उन्हें वापस मिलता है जो उन्होंने आउटर वर्ल्ड में दिया था। हमें लाइफ में क्या चाहिए, इसको हम गोल सेटिंग के प्रोसेस से डिस्कवर कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस पेन और पेपर के साथ करने से हमें बहुत हेल्प मिलती है। जब आप किसी गोल सेटिंग पर काम करते हैं तो कुछ चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। याद रखें, गोल सेटिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं गोल्स के साथ रुक जाएं। आप उन्हें बदल भी सकते हैं जब भी आप ये महसूस करेंगे कि ये जरूरी है। याद रखें, गोल सेटिंग का मतलब ये भी नहीं होता कि आप उसे सिर्फ एफर्ट देकर या सिर्फ स्ट्रगल करके ही पा सकते हैं। इसका ये मतलब भी नहीं होता कि आप उस गोल को अचीव करने में इमोशनली एडिक्टेड हो जाएं। क्रिएटिव विजुलेशन मेंटल इमेज का भी फॉर्म ले सकता है। जो भी आप बोलेंगे या लिखेंगे, या आप जिसकी भी फिजिकल इमेज देखेंगे, जो चीज़ें आपको क्लियर ब्लूप्रिंट बनाने में मदद करती हैं, वो यूनिवर्स में बाहर जाता है। और ये एक्सरसाइज आपको जो भी आपने लिखा है उसकी क्लियर पिक्चर बनाने में मदद करेंगी। इस प्रोसेस को करने से आपको जो भी चाहिए आप उसके लिए और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, और ये आपको मदद करेगा रियलिटी बनाने में। हम इसे हमारे सभी इंपॉर्टेंट गोल्स को पाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी आइडियल सिचुएशन और इमेज अपनी नोटबुक में किसी डेस्क पर या बेड के पास या फिर दीवार पर लटका सकते हैं। ट्रेजर मैप्स, ट्रेजर मैप टेक्निक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ट्रेजर मैप एक एक्चुअल में फिजिकल पिक्चर होती है जो आपके डिजायर से रिलेटेड होती है। ये वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि ये आपको एक क्लियर शार्प फॉर्म ऑफ एनर्जी देती है जिसे देखकर आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। आप भी एक ट्रेजर मैप बना सकते हैं, चाहे आप उसे ड्रॉ करें या फिर पेंट, या बहुत सारे पिक्चर का कलेक्शन भी ट्रेजर मैप की पावर को बढ़ाता है। कुछ गाइडलाइंस को जानते हैं जो आपको ट्रेजर मैप्स सबसे इफेक्टिव वे में यूज करना सिखाती हैं। एक सिंगल गोल के लिए ट्रेजर मैप बनाएं। आप ट्रेजर मैप को किसी भी साइज में बना सकते हैं जो आपको ठीक लगे। याद रखें कि आप उस पिक्चर में होने चाहिए। एक रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए अपनी फोटोग्राफ का यूज करें। सिचुएशन को ऐसा दिखाएं कि वो कंप्लीट फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। जितना हो सके उतने कलर्स का यूज करें। इससे ट्रेजर मैप में
और भी ज्यादा पावर और एनर्जी का इंपैक्ट बढ़ जाएगा। क्रिएटिव विजुलेशन इन रिलेशनशिप, क्रिएटिव विजुलेशन को यूज करने का एक बेस्ट तरीका है इससे हमारे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना। हर एक रिलेशनशिप में या किसी भी रिलेशनशिप में हमें वही चीजें एग्जैक्टली मिलती हैं जो हम विश्वास करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं। हमें वही चीजें मिलती हैं जो हम अपने डीपर लेवल से मांगते हैं। जो भी इंसान हमारे साथ रिलेशनशिप में है वो एक मिरर की तरह है, वो हमारी बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करता है और उसी तरह से हम उन लोगों के बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। किसी दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप होना ये अपनी ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा पावरफुल टूल है। अगर हम अपने रिलेशनशिप को देखें तो सच में हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमने कितना उसे बनाया है। कुछ चीजें आप कर सकते हैं जिसे आपको अपने रिलेशनशिप में मदद मिलेगी। आप इस रिलेशनशिप से सच में क्या चाहते हैं? अच्छे और ईमानदारी से अपने बिलीव्स और एटीट्यूड को देखिए। जो आपको चाहिए वो आप बना रहे हैं। विजुलेशन का यूज करें जिससे आप अपने डिफिकल्ट रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकें। अभी आप शांत होकर डीप रिलैक्सेशन स्टेट ऑफ माइंड को फील करें। इमेजिन करें दो लोग ऑनेस्ट, ओपन और इफेक्टिव बातें कर रहे हैं। खुद को इमेजिन करें कि आप किसी इंसान के साथ बात कर रहे हैं और अपने बीच चीजें क्लियर कर रहे हैं। इमेजिन करें कि वो इंसान आपको सुन रहा है और उसके बाद उसे जो बातें करनी है वो बातें कर रहा है। लिविंग क्रिएटिवली, क्रिएटिव विजुलेशन सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये कल्टीवेट कॉन्शियसनेस की स्टेट है। ये एक ऐसे कॉन्शियसनेस की स्टेट है जिसमें हम डीपली ये रियलाइज करते हैं कि हम अपने यूनिवर्स के क्रिएटर हैं और हम हर एक मोमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हमारे और भगवान के बीच कोई भी सेपरेशन नहीं है। हम भगवान की दिव्य शक्तियों को एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं। यहाँ पर किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते या हम नहीं पा सकते। हम अपने अंदर सब कुछ पाने का पोटेंशियल रखते हैं। क्रिएटिव विजुलेशन से मैनिफेस्टेशन करना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रियलाइज करते हैं कि हम अपनी दिव्य शक्ति से इस फिजिकल वर्ल्ड में मौके ला सकते हैं। ऑथर कहते हैं, मैं खुद को एक आर्टिस्ट की तरह सोचता हूँ और मेरी जिंदगी आर्ट का एक सबसे बेहतरीन काम है। हर एक मोमेंट एक क्रिएशन ऑफ मोमेंट है और हर एक मोमेंट के क्रिएशन में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी छुपी होती है। मैं चीजों को ऐसे कर सकता हूँ जैसे मैं उन्हें हमेशा से करता आ रहा हूँ। कुछ ना कुछ नया ट्राई करता हूँ जो डिफरेंट हो और बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग हो। हर एक मोमेंट हमें नई अपॉर्चुनिटी देता है और उसके साथ हमें नए डिसीजन लेने होते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।